हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बबल सॉर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। तो एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको बबल सॉर्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बबल सॉर्ट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बबल सॉर्ट डेफिनेशन कहती है कि बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सिंपल है तो बहुत अच्छी बात है। दिस एल्गोरिथम इज कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम। ये एक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है इन विच ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इज कंपेयर्ड। यहां पे क्या होता है, हर एडजेसेंट एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कंपेयर होता है, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। ओके, एंड द एलिमेंट आर स्वैप्ड इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। और अगर एलिमेंट्स ऑर्डर पे नहीं है, मान लो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो क्या होगा, वो स्वैप हो जाएगा। ओके, दिस एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। अगर हम बड़े डेटा सेट की बात करें, 10,000 डेटा की, 1,00,000 डेटा की, तब हम ये एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेंगे सॉर्टिंग करने के लिए। एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो जब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है तो बहुत ज्यादा होगी, तो इसलिए जब ज्यादा एलिमेंट्स है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। छोटे नंबर के लिए बबल सॉर्ट लगाएंगे, लेकिन बड़े नंबर के लिए नहीं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मन में अभी उठ रहा होगा, कि वॉट इज बबल इन बबल सॉर्ट। भाई ये बबल का क्या मतलब है, बबल सॉर्ट में बबल का क्या मतलब है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखें तो जो सबसे बड़ा बबल है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा ही तो होता है, जब आप कपड़े धोते हैं और वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो उसमें बबल्स बन जाते हैं। तो आप कभी ध्यान से देखना, जो सबसे बड़ा बबल होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं एरे पे। तो जब हम एरे को सॉर्ट करते हैं तो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है पूरे एरे का, उसको सबसे आखिरी में रख देते हैं। उसके बाद फिर से एरे को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ा होता है उसको सेकेंड लास्ट पोजिशन पर रख देते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक बबलिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बबल सॉर्ट तो क्या है, देखो आप 6-5 से कंपेयर हुआ, क्योंकि 5 छोटा था 6 से, इंटरचेंज हो गया। अब 6-3 से कंपेयर हो रहा है, क्योंकि 3 छोटा है 6 से, इसलिए क्या होगा, इंटरचेंज हो गया। यहां पे टोटल 8 एलिमेंट्स है। ओके, अब 6 मतलब थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन से हो रही है कंपेयर, क्योंकि 1 छोटा है तो इंटरचेंज हो गया। अब फोर्थ पोजीशन में 6 है और फिफ्थ में 8 है, दैट इज कोई चेंज नहीं होगा। 8 और 7 से हो गया, अब क्योंकि 7 छोटा है 8 से तो इंटरचेंज हो जाएगा। अब 8 2 से कंपेयर होगा, क्योंकि 2 छोटा है तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, अब आप देखो इंटरचेंज हो गया। अब 8 कंपेयर होगा 4 से, और हमने ये देखा कि भाई 4 जो है वो छोटा है 8 से, तो 8 देखा आपने, फाइनल सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजिशन में पहुंच गया। इसको बोलते हैं पास वन, फर्स्ट पास। तो फर्स्ट पास में क्या हुआ, सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पहुंच गया। अब वही प्रोसेस फिर से चल रहा है, आप देख रहे हैं, पहला दूसरे से हुआ, दूसरा तीसरे से हुआ, क्योंकि 1 छोटा है तो 5 से स्वैप हो जाएगा। अब 5-6 से होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 छोटा है। 6-7 से होगा, कोई चेंज नहीं होगा, 6 छोटा है। 7-2 से होगा, अब चेंज होगा, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 7 से, तो 2 क्या होगा, 7 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। अब 7-4 से कंपेयर होगा, क्योंकि 4 छोटा है तो 7 और 4 इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो 7 है वो अपनी पोजीशन पे आ गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पास टू। अब फिर वही प्रोसेस चालू हो गया, 3-1 से कंपेयर हुआ, 1 अपनी पोजीशन पे आ गया। 3-5 से कंपेयर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 5-6 से होगा, कोई चेंज नहीं होगा। 6-2 से होगा, अब चेंज होगा, क्योंकि 2 छोटा है तो 2 एक्सचेंज होके 6 की जगह आ जाएगा, और 6 2 की जगह। ओके, अब 6-4 से कंपेयर होगा, और क्योंकि 4 छोटा है फिर से इंटरचेंज होगा, लेकिन हुआ क्या, 6 अपनी पोजीशन पे आ गया। देखिए इसे बोलेंगे पास 3। ओके, अब फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया, 1-3 से कोई चेंज नहीं, 3-5 से कोई चेंज नहीं, 5-2 से अब चेंज होगा, तो 2 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2 क्या होगा, 5 की पोजीशन, और 5-2 की पोजीशन पे आ जाएगा। 5-4 से होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि 4 छोटा है, तो अब क्या होगा, 5 अपनी पोजीशन पे आ गया, और इसे क्या बोलेंगे, पास 4। फोर्थ पास में क्या हुआ कि फोर्थ एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया, 1-3 से, 3-2 से, 2 छोटा है इंटरचेंज होगा, और 2 इंटरचेंज होगा, तो आप देखो क्या हो गया। ओके, अब क्या होगा, 3-4 से होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब फोर्थ अपनी पोजीशन पे आ गया, ये हो गया पास 5। ओके, अब 1-2 से, 2-3 से, कोई चेंज नहीं, 3 अपनी पोजीशन पे आ गया, दिस इज पास 6। अब 1-2 से, अब 2 अपनी पोजीशन पे आ गया, ये हो गया पास 7, और देखो सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। तो हुआ क्या, हमने क्या देखा, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड पासेस इन अ बबल सॉर्ट। तो अभी हमने क्या देखा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 8 थे,
तो नंबर ऑफ पासेस कितने लगे? सेवन पासेस लगे। देखा आपने कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एट थे तो नंबर ऑफ पासेस कितने लगे? सेवन लगे। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एन होंगे तो नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे? एन माइनस वन। ये सारी वैल्यू मैक्सिमम है, सेवन से कम भी लग सकता है। एन माइनस वन ये मैक्सिमम है, एन माइनस से कम भी लग सकता है, एन माइनस वन से कम भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना लगेगा? एन माइनस वन। हम तो हमेशा वर्स्ट केस की बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है तो पासेस कितने होंगे, पहली बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि हमें कोडिंग पढ़नी है, हमें एल्गोरिथम पढ़नी है। अब आओ नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे आठ थे तो हम बात करें पहले पास में, फर्स्ट पास की बात करें, तो पता है आपको कितने कंपैरिजन हुए थे? सेवन कंपैरिजन हुए थे। पहले पास में कितने कंपैरिजन हुए थे? सेवन कंपैरिजन, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट सात हो जाएंगे, मतलब सेकंड पास में, तो कितने कंपैरिजन होंगे? सिक्स कंपैरिजन। ठीक है, तो एक चीज आपने देखी, एक ब्यूटी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि हर पास में एक कंपैरिजन कम हो रहा है। आठ एलिमेंट है तो सात कंपैरिजन, सात एलिमेंट है तो छह कंपैरिजन। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे ही आप एल्गोरिथम को समझ पाएंगे। तो क्या समझा हमने कि अगर एन एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितने पासेस लगेंगे? एन माइनस वन पासेस लगेंगे। और अगर हम फर्स्ट पास की बात करें तो फर्स्ट पास की बात करें तो उसमें कितने कंपैरिजन होंगे? एन माइनस वन कंपैरिजन। दूसरे पास में कितने कंपैरिजन होंगे? एन माइनस टू कंपैरिजन। इसी तरीके से टोटल कितने पासेस होंगे? एन माइनस वन पासेस। और लास्ट में कितना कंपैरिजन होगा? वन कंपैरिजन। क्लियर? तो ये आपको समझने की चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, अच्छा, समझना कि आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अब हम एल्गोरिथम की तरफ। तो ये एल्गोरिथम आपके सामने बबल सॉर्ट किया, इस एल्गोरिथम को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले क्या है, बबल सॉर्ट का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, फिर हमने कुछ वेरिएबल बनाए, एक एरे बनाया है, एक वेरिएबल आई बनाया है, जे बनाया है, के बनाया है। ओके, अब हमने एक लूप लगाया, लूप रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू वन टू लेंथ ऑफ ए माइनस वन। व्हाई लेंथ ऑफ ए माइनस वन? क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एन एलिमेंट है तो कितने पासेस होंगे? एन माइनस वन। तो जो पहला लूप चलता है वो चलता है पासेस के लिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो पहला लूप चलता है वो पासेस के लिए चलता है। जरा देख लो कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच, इनको हमें सॉर्ट करना है। तो कितने पासेस चलेंगे? लेंथ ऑफ ए दैट इज फोर, लेंथ ऑफ ए दैट इज फाइव माइनस वन, कितने पासेस लगेंगे? फोर पासेस लगेंगे। तो मतलब वन से लेके फोर, मतलब चार पासेस लगेंगे। ओके, अब और दूसरा लूप, दूसरा लूप किस लिए चलता है? दूसरा लूप चलता है कंपैरिजन के लिए, हर पास में कितने कंपैरिजन होंगे। ठीक है, हर पास में कितने कंपैरिजन होंगे? ठीक है, मैं इसको जरा और साफ लिख दे रहा हूं, ये पासेस हैं। ठीक है, कंपैरिजन, सी ओ एम पी ए आर आई एस ओ एन, कंपैरिजन के लिए चलेगा। अब रिपीट फॉर जे इज इक्वल टू वन, मतलब वन से चलेंगे, लेंथ ऑफ ए दैट इज पांच माइनस आई, हर बार आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते जाएंगे। पहली बार आई की वैल्यू वन होगी तो चार कंपैरिजन होंगे, तो देखा आपने पहली बार में चार ही कंपैरिजन होंगे, फिर आई की वैल्यू दो होगी तो तीन कंपैरिजन होंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एरे का बॉक्स बनाया, इसके मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव। वन पोजिशन पे 55 पड़ा है, सेकेंड पोजिशन पे 44 पड़ा है, थर्ड पोजीशन पे 33 पड़ा है, फिर 22 पड़ा है, फिर 11 पड़ा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू वन, तो वन से लेकर चार तक जाएगा, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू हो गई वन। क्लियर, रिपीट फॉर जे इज इक्वल टू वन, तो जे इज की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में कितनी होगी? वन। और ये कहां तक जाएगा? लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितना हो गया? पांच माइनस आई, करंट में आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू है एक, तो पांच माइनस एक चार, तो ये जे वाला लूप चलेगा एक से लेकर चार तक। ठीक है, अभी तो वन है। अब यहां पे आओ, क्या ए वन ए टू से बड़ा है? क्या a1 a2 टू, हाँ बड़ा है, a1 a2 से बड़ा है। तो क्या करो, स्वैप कर दो, क्या कर दो, स्वैप कर दो a1 और a2 को। तो जब स्वैप करेंगे तो 44 इधर आ जाएगा और 55 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अच्छा, अब क्या होगा, बाहर निकलेंगे एंड, ठीक है, इफ ब्लॉक से बाहर निकलेंगे, इनर लूप से बाहर निकलेंगे? नहीं, इनर लूप में तो तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो फिर वो जाएगा, अब जे को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू वन से कितनी होगी? टू। जे चार तक जा सकता है, टू। चेक करेगा ए टू क्या ए थ्री से बड़ा है, ए टू क्या ए थ्री से बड़ा है, हाँ ए टू ए थ्री से बड़ा है। फिर क्या करो, स्वैप करो, फिर से स्वैप करेंगे, तो जब स्वैप करेंगे तो 33 इधर आ गया और 55 इधर आ गया। ठीक है, और ये मैंने इसको हटा दिया। ओके, फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू चार तक जा सकती है, दो से कितनी होगी? तीन। अब चेक करेंगे क्या ए तीन ए चार से बड़ा है, क्या ए तीन
A3 A4, हाँ A3 A4 से बड़ा है तो क्या है, तो स्वैप करो, तो स्वैप करेंगे तो 22 इधर आ गया और 55 इधर आ गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ओके अब क्या करेंगे, इफ ब्लॉक से बाहर है, लूप में से बाहर निकलेंगे नहीं, फिर जाएंगे जे को बढ़ाएंगे, तो जे की वैल्यू 3 से कितनी हो गई, 4, मैक्सिमम 4 ही जा सकते हैं। अब ए 4 किससे कंपेयर होगा, ए 5 से, तो ए 4 जब ए 5 से कंपेयर होगा क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो जब ए 4 ए 5 बड़ा है तो बड़ा है, तो क्या करो स्वैप कर दो, स्वैप कर देंगे तो 11 इधर आ जाएगा और 55 इधर आएगा। तो देखा आपने जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, 44 44 33 22 11 और 55 अब सॉर्ट हो चुका है, ये बबल बन चुका है, अपनी पोजीशन पे आ चुका है, इंडेक्सिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5। ओके अच्छा अब वो, अब देखो क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा जब जे को बढ़ाएगा तो देखो क्या होगा, जे की वैल्यू 4 से कितनी होगी, 5 होने की कोशिश करेंगे लेकिन वो 4 तक जा सकता है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर यहां पे आ जाएगा, लूप से बाहर यहां पे आ जाएगा, और ये आउटर लूप है इससे बाहर निकलेगा नहीं, जब तक आउटर लूप फॉल्स नहीं होगा इससे बाहर निकलेगा, तो आउटर लूप यहां तक जाएगा। अब क्या होगी, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2, तो आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2। अब फिर वो नीचे आएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से जे की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, लेकिन ये कहां तक जाएगी, अब लेंथ ऑफ ए दैट इज 5, आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो 5 माइनस 2 कितना, अब ये 3 तक जाएगी। तो फिर से भाई, फिर A1 किससे कंपेयर होगा, A2 से, तो A1 कंपेयर हुआ A2 से, क्या बड़ा है, हाँ बड़ा है, A1 बड़ा है A2 से, तो स्वैप कर दो, तो 33 इधर हो गया और 44 इधर हो गया, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा इनर लूप, फिर जे की वैल्यू को बढ़ा देगा, जे की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, 2। अब फिर चेक करेगा क्या A2 A3 से बड़ा है, क्या A2 A3, हाँ बड़ा है, क्या करो इंटरचेंज कर दो, तो 22 इधर आ गया और 44 इधर आ गया, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा जे को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। अब फिर वो कंपेयर करेगा A3 को A4 से, तो जब A3 को, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूं, A3 को जब वो A4 से कंपेयर करेगा, क्या बड़ा है A3, हाँ बड़ा है, तो 11 इधर आ जाएगा और 44 इधर आ जाएगा, क्लियर। फिर वो जाएगा जे को बढ़ाएगा, जे अब बढ़ नहीं सकता क्योंकि जे मैक्सिमम 3 जा सकता था, कंडीशन फॉल्स, और वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब वो लूप से बाहर आएगा, तो लूप से बाहर आएगा, तो अब देखो अब 44 शॉर्ट हो चुका है, तो 44 अपनी पोजीशन पे आ चुका है, तो मैं कॉपी कर दे रहा हूं, 33 22 11 44 अब सॉर्ट हो चुका है, इसको टच नहीं करेंगे, और 55 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था ही, ये तो ऑलरेडी हम सॉर्ट कर ही चुके थे, ठीक है, इंडेक्सिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 और इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब क्या होगा, फिर वो ऊपर लूप में जाएगा, आई की वैल्यू को बढ़ा के 2 से कर देगा 3, फिर वो नीचे आएगा, जे की वैल्यू करेगा 1, तो जे फिर से 1 हो गया, लेकिन अब ये कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ ए दैट इज 5 माइनस आई, आई की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, तो अब ये कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। चलो यहां चलो, A1 किससे कंपेयर होगा, A2 से, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है, तो जब A1 A2 से कंपेयर होगा तो क्या होगा, बड़ा है, हाँ बड़ा है, A1 A2 से बड़ा है, तो क्या करो इंटरचेंज, 22 इधर आ गया, 33 इधर आ गया। अब क्या होगा, ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 ही तक जा सकता था। अब A2 को A3 से कंपेयर करेगा, A2 को A3 से कंपेयर करेगा, बड़ा A2, हाँ बड़ा है, तो इंटरचेंज कर दो, तो 11 इधर आ गया और 33 इधर आ गया, ठीक है। फिर देखो, फिर जाएगा जे को बढ़ाएगा, अब जे बढ़ा नहीं सकता, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि जे 2 तक जा सकता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर आया मतलब इस वाले लूप में आया, फिर वो ऊपर गया और उसने आई की वैल्यू को बढ़ाया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 से हो गई 4, 3 से 4 हो गए, इसी दौरान क्या हुआ, 33 शॉर्ट हो गया, तो 22 मैं कॉपी कर दे रहा हूं, 11 33 हमने शॉर्ट कर दिया और 44 ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था और 55 भी शॉर्ट हो चुका था। ओके अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 और ये बता दे रहा हूं। ओके अब क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, हाँ लास्ट पहुंच गई, अब वो अंदर आएगा इनर वाले लूप, जे की वैल्यू को फिर से बंद करेगा, तो जे की वैल्यू होगी 1, लेकिन कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ ए 5 माइनस आई, आई की वैल्यू 4 है, तो 5 में से 4 गया तो एक ही तो बचा, अभी एक बार ही चलेगा, तो जे की वैल्यू 1, हाँ 1, A1 A2 से बड़ा है, चेक करो A1 A2 हाँ बड़ा है, तो क्या करो इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 11 इधर आ जाएगा और 22 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ऊपर जाएंगे, जे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जे तो 1 तक जा सकता है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर आएंगे, फिर ऊपर वाले लूप में जाएगा, आई को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आई भी 4 पहुंच चुका है, दोनों कंडीशन फॉल्स, टोटल लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब 10th लाइन पे आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, आपके सामने अब क्या सॉर्टिंग हो चुकी है, मतलब 22 जो था वो भी अपनी पोजीशन पे आ गया है और आखिरी एलिमेंट को तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। तो चलो लिख देते हैं, 1 इज दैट इज पहला एलिमेंट क्या हो गया, 11, दूसरा 22, तीसरा 33, फिर 44 और 55। तो देखा आपने कितनी खूबसूरती से हमारे
सॉर्टिंग, मैंने आपको पूरी एल्गो समझाई और कितनी खूबसूरती से हमारी सॉर्टिंग हो गई, हमारा जो एरे था, हमारा जो एरे था वो सॉर्ट हो गया और बखूबी से आपको सॉर्टिंग दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू रियली लाइक इट, इफ यू रियली लाइक द वीडियोस ऑफ जावा टी पॉइंट एंड इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, अमंग योर क्लासमेट्स। Thank you so much once again for watching Java Tea Point. Thank you and thank you so much.